चले, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक रिलेशंस में? हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर, फिर हम लोगों ने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स नोन हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज रिलेशन, फिर पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशंस, देन इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और इस टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक? हम लोगों ने पढ़ा ए वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, फिर हमने पढ़ा यूनिवर्सल रिलेशन, फिर हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट, फिर हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन, एंड फिर हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। राइट, आज हम कुछ और रिलेशंस पढ़ेंगे और उन रिलेशंस के बाद हम लोगों के पास क्या रहेगा, हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। राइट, तो यहां तक तो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ लिए, और इस चैप्टर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कंसेप्ट ही है जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। राइट, तो इसका मेन जो आपको ध्यान देना है वो कंसेप्ट के ऊपर ही ध्यान देना है। तो हम लोगों ने ये सभी कंसेप्ट तो अभी तक कर लिए हैं, परफेक्ट, चलिए शाबाश मेरे बच्चे। तो आज हम लोग जो करेंगे, आज हम इससे आगे की बात करेंगे। हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन तक पढ़ लिया और कल हमने सीखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। चलिए आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन था उसमें हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ही रिलेटेड था। राइट, वेयर एज जब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे थे तो हम लोग ये कह रहे थे कि, क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैज हैविंग आइडेंटिटी रिलेशन इन इट, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और फिर हमने ये भी कहा था कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। राइट, तो चलिए आज हम इससे आगे की बात करेंगे। तो आज हम जिस रिलेशन की बात करने वाले हैं दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। राइट, तो हम कहते हैं लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट, ये बात समझना, सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, देन अ रिलेशन
आर ऑन ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ बी इज रिलेटेड टू ए. यस, ये हमने सपोज करना है, खुद से लेना है, और ये वाला पार्ट हमने प्रूव करना है. ठीक है, एग्जाम्पल पे मैं बात नहीं आता, पहले हम लोग इसको समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. सपोज ये जो रिलेशन जो ए सेट होता है ना, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नंबर्स का सेट हो. इट कैन बी अ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, इट कैन बी अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स आल्सो. ठीक है, इट कैन बी अ सेट ऑफ पॉइंट्स आल्सो, इट कैन बी अ सेट ऑफ लाइंस आल्सो, इट कैन बी एनीथिंग. राइट, अब समझते हैं कि ये बात क्या कह रहा है, ये हमसे बोलना क्या चाह रहा है. राइट, तो हम लोग बोलते हैं कि एक फैमिली है, किसकी, ट्रायंगल्स की. ठीक है, फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स में अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स हैं. हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स हमारे साथ तब रिलेटेड हैं, यानी ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू के साथ रिलेटेड है. कब, अगर ट्रायंगल वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल टू. ठीक है, तो कोई भी दो लोग आपस में, दो ट्रायंगल आपस में तब रिलेशन में माने जाएंगे अगर वो आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. राइट, आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है. ठीक है, R represents a relation. Yes, R represents a relation. जब मैं यहाँ पे R लिख रहा हूँ तो it is a relation. A में किसी सेट का नाम ले रहा हूँ. Right? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे. जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि सेट, तो सेट जैसे मैंने बोला वो कोई भी हो सकता है. It can be a set of triangles. अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ triangles के सेट के ऊपर बात कर रहा हूँ. आप सब इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ा सा प्लेन है और आपने उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं. राइट, और उसमें लेट से बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं. चलिए हम मान लेते हैं लेट से उसमें 100 ट्रायंगल्स आपने बना लिए. हम कहेंगे कि कोई भी दो ट्रायंगल्स तब रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ अगर ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू के सिमिलर है. ठीक है, अब एक बात मुझे ये बताइए, अगर ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू सिमिलर होंगे तो अगर मैं इसी बात को उल्टा बोलूं, ट्रायंगल टू ट्रायंगल वन के सिमिलर होगा कि नहीं होगा. होगा ना, बिल्कुल होगा. तो जब ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू के सिमिलर होगा तो सिमिलरली ट्रायंगल टू भी ट्रायंगल वन के सिमिलर होगा. इसका मतलब ये जो रिलेशन है दोनों तरफ से क्या हो रहा है, ये दोनों तरफ से सेम चीज बता रहा है. इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है, दोनों का रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है. आप कहोगे सर ये तो हर बात हर केस में ऐसा होगा. नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हम लोग इस रिलेशन को क्या कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं. चलिए एक बात और ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना. ठीक है, अब हम लोग सेट लेते हैं ट्रायंगल्स का नहीं, हम सेट लेते हैं सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स. ठीक, हम कहते हैं कि ए पर्सन इज रिलेटेड टू बी पर्सन इफ ए इज फादर ऑफ बी. ठीक है, हम कहते हैं कि रिलेशन जो है वो ऐसा है कि इफ ए इज फादर ऑफ बी. ठीक है, राइट. अब सुनिए मेरी बात, अगर ए बी के रिलेटेड हम मान लें, हम लोग सपोज करें ए इज रिलेटेड टू बी, हमें बोला गया कि सर इस रिलेशन में ए इज रिलेटेड टू बी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए इज फादर ऑफ बी, क्योंकि रिलेशन हमने यही डिफाइन किया. अगर आप इस बात को उल्टा बोलें तो क्या B इज फादर ऑफ A होगा, अब की बार नहीं होगा, है ना, अब की बार ये बात नहीं होगी. B कैन नॉट बी फादर ऑफ A, B कैन बी चाइल्ड ऑफ A, B कैन बी डॉटर ऑफ A, B कैन बी सन ऑफ A, बट B कैन नेवर बी फादर ऑफ A. तो इसका मतलब हमने A B के साथ रिलेटेड हुआ बट हमने B का A का रिलेशन हम लोगों ने नहीं निकाल पाए, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. चलिए एक और बात करते हैं, अगर लाइन वन लाइन टू के पैरेलल है तो लाइन टू भी तो लाइन वन के पैरेलल होगी. अगर लाइन वन लाइन टू के परपेंडिकुलर है तो लाइन टू भी तो लाइन वन के परपेंडिकुलर होगी, है ना जी, ऐसी बात है ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, एग्जैक्टली. लेकिन अगर आप ऐसे बोलें
अब दोबारा से हम ह्यूमन बींग्स पे आते हैं, ह्यूमन बींग्स पे नहीं आते इस बार, हम आते हैं सेट ऑफ मेल्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? सेट ऑफ मेल्स के ऊपर। अब हम कहते हैं कि दो मेल्स आपस में तब रिलेटेड हैं इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ मेल्स को फोकस कर रहे हैं, तो ए बी के साथ तब रिलेटेड है इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगर ए बी का ब्रदर है तो बी ए का क्या होगा? बी ए का भी ब्रदर होगा। अब जब बात करेंगे इस पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज ब्रदर ऑफ ए, राइट। अब आप फिर से बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? नहीं, अब बात समझना, मैं एक छोटी सी चेंज लाने वाला हूं। अगर सेम रिलेशन को ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिफाइन किया जाए, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, मेल्स की बजाय ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स में मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे। अब मैं बोलता हूं इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगर इसी बात को मैं उल्टा बोलूं तो क्या मैं ये श्योरिटी से बोल सकता हूं कि B is brother of A? Not at all. मैं क्या बोल सकता हूं? B can be brother of A, B can be sister of A also. है ना जी? तो इस केस में देखिए, जब मैंने क्या सेट चेंज कर दिया, डोमेन चेंज हो गया, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहा। लेकिन जब हमने बात की सिर्फ मेल्स की, तब ये रिलेशन जो था वो सिमेट्रिक रहा। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग क्या सीखते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन में हम सीखते हैं अगर ए बी के रिलेटेड है, अगर हम कुछ सपोज कर रहे हैं उसको ले रहे हैं, तो इसका मतलब बी ए के रिलेटेड होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत मजेदार सी चीज है। हर बार ये चीज ट्रू प्रूव नहीं होती, इसीलिए इस रिलेशन को हम लोगों को देखना पड़ता है, वी हैव टू चेक इट। अब बात करते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बताई प्रैक्टिकली कि क्या क्या हो सकता है। चलिए अगर हम नंबर्स के हिसाब से इसको देखें तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो यही थी कि अगर ए बी के रिलेटेड है तो उस रिलेशन में बी ए के रिलेटेड भी होना ही चाहिए। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को ले लूं, छोटा सा सेट ही लेता हूं ए बी सी, तो ए क्रॉस ए आपको पता है क्या होता है? ए क्रॉस ए इज ए ए, ए बी ए सी, बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी, राइट। अगर रिलेशन की बात करूं तो एक रिलेशन में लेता हूं ये ए ए बी बी सी सी, सिर्फ इतना सा ही लेता हूं। ठीक है, अभी आऊंगा इसके ऊपर, पहले एक और रिलेशन इसके साथ साथ में लेता हूं। एक और रिलेशन लिखूंगा और फिर मैं डिस्कस करता हूं कि कौन सा रिलेशन हमारा कैसा है। आर टू इसको लेता हूं ए बी बी ए सी और एक आर थ्री भी ले लेता हूं। आर थ्री ले रहा हूं ए बी ए सी ए ए सी ए। ठीक है, अब आप बच्चे यहां पे देखें, यहां पे लेट अस सी वन बाय वन। ये जो हमारे पास है ये ए ए बी बी सी सी, ये एक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये सबसेट है ए क्रॉस ए का, पहली बात हमारी डिफाइन होगी। सेकेंड थिंग इज, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले ये रिलेशन कौन सा है? ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो ये ए ए बी बी सी सी जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि हमने सीखा था एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। ये दोनों बातें हैं। अब तीसरी बात हम जिसकी बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? लेट अस सी। ए ए का रिवर्स, अगर ए रिलेटेड टू ए है तो इसका रिवर्स ए रिलेटेड टू ए ही आना चाहिए, वो हमें मिल रहा है, क्योंकि हम लोग सेट्स में कोई भी चीज हमेशा एक बार ही लेते हैं, राइट।
इफ बी रिलेटेड टू बी तो बी ऑल्सो रिलेटेड टू बी आ रहा है, तो ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक आ रहा है। सी रिलेटेड टू सी तो इसका उल्टा अभी सी रिलेटेड टू सी ऑलरेडी है, तो अगर ए ए है, बी बी है, सी सी है, तो उसका उल्टा भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए ये वाला रिलेशन जो हमने लिखा वो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब यहां देखते हैं, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, इफ ए रिलेटेड टू सी, सी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया, बिकॉज ए बी का उल्टा बी ए है, ए सी का उल्टा सी ए बी है, बाकी कुछ भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है उसका रिवर्स भी होना चाहिए। यहां देखते हैं, ए बी, ए बी का उल्टा हमें नहीं मिला, ए ए, ए ए का उल्टा है खुद से ए ए, ए सी का उल्टा सी ए है, लेकिन यहां पे एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिला, ये बात ध्यान से सुनना मेरी बच्चे, अगर एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिला जिसका रिवर्स नहीं है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहेगा। यस, ठीक है जी, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, ये सिमेट्रिक होगा तब जब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स भी अवेलेबल होगा, तब ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि द फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक, सेकंड रिलेशन इज सिमेट्रिक, बट थर्ड रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, राइट? तो दिस इज अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब हम फर्दर बात करते हैं एक और रिलेशन की, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, ट्रांजिशन करना मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये रिलेशन भी वैसा ही बात करता है। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है जैसा इस तरफ से कोई चीज है वैसी उस तरफ से भी होनी चाहिए, है ना, तो ये इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक। लेकिन ट्रांजिशन में कोई चीज आगे की तरफ ट्रांसफर होती जा रही है। अब यहां पे हम लोग इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में भी बात करूंगा। हम कहते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन रिलेशन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ, इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ A related to B, B related to C implies that इन दोनों से हमें ये पता चले कि A is also related to C। ठीक है, तो चलिए अब इसका मतलब क्या है मैं आपको वो समझाता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास A related to B है, B related to C है, तो A related to C होना ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। वैसे ही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, अगर मैं बात करता हूं अगेन सेट ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर, वही सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया, अगर ए ट्रायंगल वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल टू एंड इन टर्न ट्रायंगल टू इज सिमिलर टू ट्रायंगल थ्री, देन ट्रायंगल वन विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल थ्री। एग्री? तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, राइट? सिमिलरली एक और सुनते हैं, लाइन वन इज पैरेलल टू लाइन टू, ये लाइन वन इज पैरेलल टू लाइन टू एंड लाइन टू इज पैरेलल टू लाइन थ्री, इसका मतलब ये वाली लाइन वन विल बी पैरेलल टू लाइन थ्री, है ना। थर्ड थिंग, ये दोनों केसेस में हमने जो बात की वो क्या की, वो बात की हम लोगों ने कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। नाउ लिसन टू मी, अब हम बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको ये दोनों बातें एक मिनट में अभी समझ आ जाएंगी, राइट? अगर हम लोग बात करें फिर से लाइंस के ऊपर, किसके ऊपर, लाइंस के ऊपर, और हम कहते हैं कि लाइन वन इज रिलेटेड टू लाइन टू एंड लाइन टू इज रिलेटेड टू लाइन थ्री, तो कैसे, तो कैसे इसको देखेंगे, लाइन वन इज रिलेटेड टू लाइन टू
and line 2 is related to line 3 if line 1 is perpendicular to line 2. Hum kehte hain do lines aapas mein kab related hain, if they are perpendicular to each other, if they are perpendicular to each other. To aap dekhen, ye mera wala jo pen hai ye line 1 hai and ye blue pen jo hai ye line 2 hai. ठीक है, तो लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू. सिमेट्रिक है, यस. इफ लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू, लाइन टू इज परपेंडिकुलर टू लाइन वन. ये बात तो बिल्कुल सही आ गई है ना, आ गई ना, सही दिख रहा है ना पेन आपको, दिख रहा है. हाँ, और अगर लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू, लाइन टू इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्री. चलिए ये तीसरा वाला पेन ले लिया मैंने, लाइन टू, ये लाइन टू है ब्लू वाली और ये लाइन थ्री है. लाइन टू इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्री, चेक करिए. तो आपस में लाइन वन और लाइन थ्री क्या है, वॉट आर दे? दे आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. तो लाइन वन पैरेलल टू लाइन थ्री हुआ. इस केस में लाइन वन और लाइन थ्री दे आर नॉट रिलेटेड, इसलिए ये वाला रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल और सुनते हैं, समझते हैं. अब मैं बात करता हूं वही ह्यूमन बींग्स वाली. इफ ए एंड बी आर कंसिडर टू बी रिलेटेड टू ईच अदर, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, और हमें दिया गया है ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी. इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी. ठीक, अब सी कोई भी हो, ए अगर बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है तो ए भी तो सी का ब्रदर ही होगा, यानी ए सी के साथ भी तो रिलेटेड ही होगा. तो ए इज रिलेटेड टू सी, ये ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन अगर यही बात मैं बात करूं फादर वाले रिलेशन के ऊपर, तो सुनिए क्या होगा, सुनिए क्या होगा. वो ये होगा कि ए एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर इफ ए इज फादर ऑफ बी. अब मैं बात करता हूं इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए इज फादर ऑफ बी. And B is related to C, इसका मतलब B is father of C. A is father of B, B is father of C, इसका मतलब A is grandfather of C. Father तो नहीं रहा ना, grandfather हो गया. इसलिए this relation is not satisfied for A and C. And that is why we will say in this case the relation is not transitive. ठीक है, तो ये बात आपने समझनी है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको अभी समझ नहीं आएगी तो ये वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. उसके बावजूद भी किसी को समझ नहीं आएगा तो काइंडली जस्ट आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ठीक है, तो डू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से इसको समझें, सोचें और आगे करें. अब हमारे पास यहां तक तो बात होगी थी, राइट. ये हमने क्या बात कर ली, ये बात कर ली थी हमने, ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन समझ ली. अब इसी एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव कहां कहां पे होगा. तो वॉच इट. अब सपोज मैं यहां पे एक रिलेशन ले रहा हूं R4, R1, R2, R3 पहले लिया, मैं R4 ले रहा हूं. ए ए, ए बी, ए सी, बी सी एंड चलिए इतना ही रखते हैं फिलहाल, इसी से आपको समझ आ जानी चाहिए. अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना. सबसे पहले A related to A, then ये वाला next A is related to B, इसका मतलब A related to B होना चाहिए, A B होना चाहिए, वो है. A related to A, A related to C, यानी A C होना चाहिए, ऑलरेडी है. ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ए सी होना चाहिए, ऑलरेडी है. दैट मींस ये जो हमने रिलेशन बनाया ये ट्रांजिटिविटी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. और अगर ये ट्रांजिटिविटी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव है. ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट करेंगे शाबाश अच्छे से, और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा फर्दर चीजों के साथ. चलिए मेरा बच्चा, अब रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास
अनदर वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं आपको सीखना, आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक, EQUIVALENCE, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम कहते हैं एनी रिलेशन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज, आर मतलब हम रिलेशन के लिए बोल रहे हैं, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट। आई एम वेरी मच श्योर कि जितने भी हमने आज कंसेप्ट पढ़े आज तक रिलेशंस को लेके, वो आपको अभी तक क्लियर हो चुके होंगे, राइट। तो चलिए, अगर आप उन रिलेशन को रिकॉल करें तो आपको आज बहुत मजा आने वाला है। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, यू विल बी एंजॉयिंग दैट एक्सरसाइज। तो सभी अपने अपनी टेक्स्ट बुक खोलें एंड टेक्स्ट बुक में आप आ जाइए पेज नंबर, एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 33। सो आई एम पिकिंग अप द क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ठीक है, जस्ट लेट अस गो थ्रू इट वन बाय वन। एक्सरसाइज 2.1 पेज 33। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है इफ एक्स अपॉन 3+1 y minus 2/3 is 5/3 and 1/3. If x/3+1 y minus 2/3 is equals to 5/3 and 1/3, ये बोलता है find the value of x and y। तो हम लोगों ने पढ़ा था According to equality of ordered pairs, x/3+1 is equals to 5/3 and y-2/3 is equals to 1/3. सिंपल इक्वेशन है, x/3 इज इक्वल्स टू 5/3-1, y इज इक्वल्स टू 1/3+2/3। x/3 इज इक्वल्स टू, मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया होगा, मेरे से तेजी से किया होगा, 5-3/3 एंड y इज इक्वल्स टू 3/3। x/3 इज इक्वल्स टू 2/3 and y is equals to 1। ये 3 और 3 भी कैंसिल कर देंगे तो x equals to 2, so we got x equals to 2 and y is equals to 1। तो how simple it is, है ना जी, exactly। question number 2, if a set a has 3 elements and set b has 3, 4, 5, find the number of elements in a cross b। वाह, क्या मजेदार सा क्वेश्चन इसने पूछा हमारे से, ये हमें बच्चा समझ रहा है ना, हम इससे आगे निकल चुके हैं, इसको ये पता ही नहीं है, इसको ये बात समझ ही नहीं है कि हमें इससे आधा आगे का आता है ना। तो देखें, इसने बोला a has 3 elements, तो n of a is equals to 3, b is equals to, इसने हमें दिया है 3, 4, 5, इसका मतलब n of b is equals to 3 और
हम सबको पता है एन ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, सो वी कैन से दैट इट इज 3 x 3 दैट इज इक्वल्स टू 9, राइट। तो ये तो हमसे ऐसे मजाक कर रहा था शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद से चेक करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा आपको। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज इक्वल्स टू -1, 1, इसने बोला फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, राइट। अब सुनिए मेरी बात बच्चे, जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि ए क्रॉस बी में एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, 3 सेट्स होंगे, तो हमारे पास उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी। अब सिमिलरली यहां पे मेरे बच्चे देखें, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 -1 and +1, एंड फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स कितने होंगे ये समझने वाली बात है ना। तो इसमें अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में 2 x 2 x 2 एलिमेंट्स होंगे, यानी 8 एलिमेंट्स होंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, राइट। अब इसको करना कैसे है, आंसर मुझे पता है आपको आता है, लेकिन लिखने का भी एक ढंग है, हम वो सिर्फ वो तरीका सीखेंगे। तो आप यहां पे देखें ए क्रॉस ए सबसे पहले लिखना मेरे बच्चे, सबसे पहले ए क्रॉस ए लिखना है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे -1, 1 x -1, 1, फिर ए क्रॉस ए को ऐसे लिखेंगे -1, -1, -1, 1, 1 -1 and 1, 1, फिर ए क्रॉस ए क्रॉस ए, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, cross, cross what, -1, 1, राइट। अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से, दिस इज इक्वल्स टू -1, -1, -1, पहले इसको सबके साथ -1, -1 and 1 खत्म, फिर सेकंड वाले को लेंगे -1, 1, -1, -1, 1, 1, राइट। फिर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को लेंगे, थर्ड वाले को 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1 and 1, तो ये हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए, किसके, A क्रॉस A के, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह से देखना है, इसी तरह से समझना है, और क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं मारने हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में भी बच्चे ध्यान रखना है, चीजें कई बार हमें आती हैं लेकिन मार्क्स हमें स्टेप्स के मिलते हैं, तो आपने शॉर्टकट नहीं मारने हैं, आपने इन सब चीजों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है। मेरा राइटिंग गंदा है इसलिए प्लीज बेयर, लेकिन आपने सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है, राइट। तो आप सेल्फ 3rd क्वेश्चन करेंगे, 4th क्वेश्चन करेंगे, और 1 7th क्वेश्चन करेंगे, राइट। 7th and 8th, 3rd, 4th, 7th and 8th में होमवर्क आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, राइट। कल हम इसको करेंगे फिनिश, और कल हम लोग आगे बड़ा मजेदार सी चीज कल पढ़ने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट पक्का, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि आप खुद से क्वेश्चंस करेंगे, साफ साफ करेंगे, होमवर्क सारा करेंगे, और मुझे बताएंगे अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, जस्ट आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। तो आज के लिए इतने रखेंगे, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर।